गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ की मैथ की बुक का एक्सरसाइज 2.9 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.8 की थी, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.9 करेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 2.9 है उसमें आपने प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन तीनों करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था राउंड ऑफ करना, वो इस चैप्टर में अब आपका काम आएगी वो नॉलेज, क्योंकि राउंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपने एस्टिमेटेड आंसर निकालना है। ठीक है, एस्टिमेटेड आंसर निकालने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा राउंड ऑफ निकालना है। फॉर एग्जांपल है, जो हमने एक्सरसाइज प्रीवियस चैप्टर में की थी उस चैप्टर में हमें स्पेसिफिक मेंशन था कि आपने राउंड ऑफ क्या निकालना, नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000। बट इसमें अकॉर्डिंग टू हम डिजिट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इन्होंने ऑलरेडी बताया गया है कि अगर हमने एस्टिमेट से नंबर निकालना वो अकॉर्डिंग टू डिजिट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो हम उसका राउंड ऑफ कैसे निकालेंगे, नियरेस्ट टू 1000 निकालेंगे। अगर हमारे पास 3 है तो हम नियरेस्ट टू 100 निकालेंगे। अगर 2 डिजिट है तो हम नियरेस्ट टू 10 निकालेंगे, ताकि हम अपना जो एक्यूरेट आंसर है या फिर एस्टिमेटेड आंसर है हम वो निकाल पाए। हम इसके फर्स्ट सम से करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको ए पार्ट में क्या गया है कि 753 प्लस 525, इसमें ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट कितने, इसमें 3 है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ऊपर पढ़ा था अगर आपने 3 डिजिट नंबर है तो हमने उसका क्या निकालना है, नियरेस्ट टू 100 निकालना है। हम जब नियरेस्ट टू 100 निकालते थे, हम क्या देखते थे, हम हमेशा किसकी प्लेस वैल्यू, हम किसकी वैल्यू देखते थे, हम टेंस की वैल्यू देखते थे कि जो टेंस की जो वैल्यू है वो 5 से लेस देन है या 5 से ग्रेटर देन है। अगर 5 से लेस देन है तो वैल्यू रिमेन रहती है अनचेंज, अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू 5 है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम चेंजेस करते हैं। चलो हम इसका फर्स्ट सम करते हैं। देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आपने क्या करना था, ये प्लस करना था। यहाँ पे मैंने आपको आंसर लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है। आपको 753 का राउंड ऑफ निकालना है। तो अगर आप 753 देखो तो 3 डिजिट वैल्यू है और ये नियरेस्ट टू हमने 100 निकालना है। जब भी हम नियरेस्ट टू 100 निकालते हैं तो हम किसकी वैल्यू देखते हैं, हम टेंस की। देखो यहाँ पे टेंस में क्या है, 5 है और जो 5 है इज इक्वल टू 5 है। तो इट मीन्स क्या होगा, हम यहाँ पे 1 प्लस करेंगे और ये वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा, 0 0 होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अब 5 to 5 है, 5 to 5 में अगेन ये 3 डिजिट नंबर है, हम अगेन टेंस की वैल्यू देखेंगे। जो टेंस है वो 2 है, दैट इज लेस देन 5। इट मीन्स क्या होगी, जो 5 ये वाला है 100 की वैल्यू है वो रिमेन देगी अनचेंज और हमारे पास ये दो वैल्यू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 753 का राउंड ऑफ कितना पता, 800, एंड 5 to 5 का राउंड ऑफ कितना बचा, 500। तो हम अगर इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1300 आएगा। ठीक है, अब इसका बी सम करते हैं। बी सम में क्या है आपका, 11526 को हमने किसके साथ प्लस करना है, 8748 के साथ करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट है 1 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट प्लेस वैल्यू, और इसमें कितना है, 1 2 3 4 डिजिट क्या है, प्लेस वैल्यू है। तो हम इसका भी राउंड ऑफ निकालेंगे और इसका भी राउंड ऑफ निकाल के हम दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, आपको जो बी सम था उसका जो फर्स्ट वाले में जो वैल्यू थी वो आपकी क्या थी, 5 डिजिट है। 5 डिजिट मीन्स यहाँ पे 10,000 है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें राउंड ऑफ निकालना होता था 10,000, तो हम नियरेस्ट टू हमने 10,000 का राउंड ऑफ निकालना होता था, तो हम किसकी वैल्यू देखते थे, हम 1000 की वैल्यू देखते थे। यहाँ पे जो 1000 की वैल्यू क्या है, वो 1 है, दैट इज लेस देन 5। इट मीन्स क्या होगा, ये वैल्यू रहेगी रिमेन अनचेंज और बाकी वैल्यू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे क्या निकालना है, नियरेस्ट टू 1000 निकालना है। तो 1000 में हम किसकी वैल्यू देखते थे, हम 100 की प्लेस 100 की वैल्यू देखते थे। ये 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बाकी वैल्यू में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9000। तो हमारे पास जब हमें प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी में क्या था, अभी ए और बी में हमने प्लस किए थे, अब सी पार्ट में और डी पार्ट में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अगेन है ये 3 डिजिट वैल्यू है और ये इसमें क्या है, 4 डिजिट वैल्यू है। तो हम राउंड ऑफ इसका हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 3 डिजिट वैल्यू होती है तो हम राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 100 करते थे, 4 डिजिट में हम क्या करते थे, नियरेस्ट टू 1000 करते थे। तो इन दोनों को सम को मैं एक साथ सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। ठीक है, जो आपका सी पार्ट है, आपने 9 8
जीरो का राउंड ऑफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि 8 है जो हम टेंस की वैल्यू देखेंगे, तो अगर अपन बात करें तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो इट मीन्स क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 1, तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। इसमें भी अगेन है ग्रेटर देन 5 है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 है, हमने माइनस निकालना था तो हमारे पास एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। आपने जरूर लिखना है एस्टिमेटेड सम, यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड डिफरेंट है, ठीक है। 5897 है जो कि क्या है, 4-डिजिट वैल्यू, तो हमने 4-डिजिट वैल्यू में हमने राउंड ऑफ निकालना है नियरेस्ट टू 1000 निकालना है, तो इसका अगर हम राउंड ऑफ निकालेंगे नियरेस्ट टू 1000 तो हमारे पास क्या आएगा, 6000 आएगा, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू का नियरेस्ट टू के कहते हैं 1000 निकालेंगे तो हमारे पास 3000 आएगा, तो हमारे पास एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ई और एफ है, इसमें आपने क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना। अगेन है ये 3-डिजिट नंबर है, ये 4-डिजिट नंबर है और ये 2-डिजिट नंबर है। जब हम 2-डिजिट नंबर होते हैं तो हम नियरेस्ट टू क्या निकालते हैं, टेंस निकालते हैं। ये दोनों सम को मैं इकट्ठे करके सॉल्व करूंगी आपको, ठीक है। ई पार्ट में 440 था जो कि 3-डिजिट वैल्यू है, तो हम नियरेस्ट टू क्या करेंगे, हम नियरेस्ट टू 100 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 400 आ जाएगा। 28 है जैसे 2-डिजिट वैल्यू, तो हम नियरेस्ट टू हम 10 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। इन दिनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 12000 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है। अगेन इन दिस से है, यहाँ पे 4-डिजिट वैल्यू है, हम नियरेस्ट टू 1000 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6000 आएगी, ठीक है। अगर हम 13 का राउंड ऑफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 2-डिजिट वैल्यू में हम नियरेस्ट टू क्या निकालते हैं, 10 निकालते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू 60000 आ जाएगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर जी और एच है, इसमें आपने डिवाइड करना है, अगेन आपने इसका नियरेस्ट टू राउंड ऑफ निकालना है। ये 3-डिजिट वैल्यू है, ये 2-डिजिट वैल्यू है, 3-डिजिट वैल्यू में हम 100 में निकालते हैं और इसमें टेंस में निकालेंगे। इसमें ये क्या है, हमारे 4-डिजिट वैल्यू है तो हम नियरेस्ट टू क्या निकालेंगे, 1000 निकालेंगे। ये 2-डिजिट वैल्यू है तो नियरेस्ट टू हम क्या करेंगे, टेंस निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी में क्या करना, आपने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवीजन करनी है। 563 का हम राउंड ऑफ निकालेंगे तो हमारे पास 600 आएगा, और 34 का अगर हम राउंड ऑफ निकालेंगे क्योंकि 2-डिजिट वैल्यू है तो हम नियरेस्ट टू 10 निकालेंगे तो 30 आएगा। हमने एस्टिमेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, हम 30 को 600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास 20 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप करोगे तो 32 कितने होते हैं, 60, ठीक है। अगर हम नीचे वाले वैल्यू को जीरो करेंगे तो हमारे पास ऊपर भी जीरो आएगा, ठीक है। अगर हमने हमारे पास एस्टिमेटेड कोटेशन कितना आ जाएगा, 20। अब एच है, आपने 7541 जो कि 4-डिजिट वैल्यू है, तो हमने नियरेस्ट टू क्या करेंगे, 1000 करेंगे। नियरेस्ट टू 1000 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। और 423 है, 2-डिजिट वैल्यू, नियरेस्ट टू 10 करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगी। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड कोरिलेशन कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। विद दिस आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 2.9 बहुत ज़्यादा इजी है, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड ऑफ निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको राउंड ऑफ निकालना नहीं आएगा तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तब इसलिए आप जो नियरेस्ट टू है, नियरेस्ट टू व्हाट टेंस 100, उसे प्रैक्टिस करो ताकि आप ये सम इजिली कर सको। विद दिस आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये सारे सम समझ आ गए होंगे कि आपने कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.10 करेंगे, जिसमें हम मोड मास के बारे में पढ़ेंगे कि मोड मास क्या होता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, रिवाइज करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।